हरदोई के जिला अस्पताल में बना जन औषधि केंद्र सफेद हाथी बन गया है। कई माह से यहां दवाएं ना मिलने के कारण यहां तालाबंदी चल रही है। रोगियों को सरकार का सस्ती दवा देने का वादा हवा हवाई होता दिखाई पड़ रहा है। जिला अस्पताल के मरीजों के परिजन महंगी दवाएं बाहर के मेडिकल स्टोर से खरीद रहे हैं। जन औषधि केंद्र चलाने वाले लोगों का कहना है कि दवाएं ऊपर से ही नहीं आ रही हैं, तो वह कहां से बेचे। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर यहां आंकड़ा झूठे हैं, यह दावा किताबी है। तस्वीरों में यह हरदोई का जिला अस्पताल है और इस जिला अस्पताल में इन औषधि केंद्र में लटका ताला सरकार के वादों और दावों की पोल खोल रहा है। सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में जन औषधि काउंटर खोलकर लोगों को सस्ती दवा दिए जाने का वादा किया था। कुछ दिन उस वादे पर अमल भी हुआ और लोगों में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह भी था कि अब बाहर से महंगी दवाएं नहीं लेनी हो, लेकिन अब उसमें ताला लटका हुआ है और इसे चलाने वाले जिम्मेदार उच्च अधिकारियों पर तोहमत मर गई है। उनके कहना है कि डायरेक्टर लेवल से ही दवाएं नहीं आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मरीज दवा ना मिलने की वजह से काफी समस्याओं की बात कह रहे हैं और पर्चा लेकर सरकारी अस्पताल के बाहर के मेडिकल स्टोर से दवा खरीद रहे हैं। सीएमएस डॉक्टर एके शाके का कहना है कि उन्होंने इस आशय से सीएमओ को भी अवगत कराया है, अगर दवाएं आई तो बांटी जाएंगी। हरदोई से संवाददाता राशिद खान की रिपोर्ट। जन औषधि केंद्र का संचालक मेरा बेटा सौरभिंद प्रताप सिंह है और जन औषधि केंद्र में विगत 3 माह से कोई भी दवाएं उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण जन औषधि केंद्र बंद हो गया है। इसकी डायरेक्टर मैडम अलका सिंह हैं, उनको कई बार रिमाइंडर भी भेजा जा चुके हैं, परंतु उनके स्तर से कोई निदान इसका नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण काफ़ी कठिनाई हो रही है और हम लोगों का जो पैसा भी इसमें लगा हुआ है वो भी अभी तक जो है वापसी नहीं हुआ है। और उनका तो कहना यह है कि एक सप्ताह में आ जाएगी दवाएँ, मगर विगत 3 माह से इसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, जिससे कर्मचारी भी कार्य करना नहीं चाहते हैं, उनको भी कोई पैसा नहीं मिल पा रहा है और बंद है। इस समय वर्तमान में ताला लगा दिया गया क्योंकि कोई दवाएं नहीं है, मरीजों को असुविधा हो रही है, वो झगड़ा करते हैं दवाएं न होने की स्थिति में, इसलिए उसको ताला लगा दिया गया है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का एक केंद्र हमारे जिला शहला में बनाया गया था और उसमें जेनरिक दवाओं की आपूर्ति के लिए बताया गया था, किंतु अभी देखने में आया है कि हमारे जो केंद्र के संचालक हैं वो जन औषधि में जो आने वाली जेनरिक दवाओं की आपूर्ति नहीं करा पा रहे हैं। इस संबंध में मैंने उन्हें चर्चा की और सीएमओ साहब को भी अवगत कराया है, ये सब सीएमओ साहब के कार्यक्षेत्र में आता है, उनको अवगत करा दिया गया है, अगर आते हैं तो बंटने की व्यवस्था कर दी जाएगी, वन का कमी तो है ही। हम जो है हमारा अंदर पेशेंट है, हम यहाँ पे दवाई लेने आए थे, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है ये, यहाँ पे दवाई सस्ती मिलती है इसलिए हम आए थे। और हमने यहाँ पे देखा तो ताला लगा हुआ है, तो मतलब दवाई मिले तो कैसे मिले, तो लोगों से पूछा तो वहाँ बंद है, ताला लगा हुआ है, यहाँ दवाई सस्ती मिलती है इसलिए लेने आए। क्या लोगों ने बताया क्यों बंद है? पता नहीं, क्या नाम जो है, हो सकता है दवाई ना हो इनके पास, इसलिए बताया है कि दवाई नहीं है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।